तेगीपुर में कोरोना वायरस व ब्लैक फंगस से मुक्ति के लिए महायज्ञ शुरू। दिल्ली के तेगीपुर गांव में किया जा रहा है कोरोना वायरस व ब्लैक फंगस से मुक्ति के लिए महायज्ञ। यह महायज्ञ तेगीपुर गांव के श्री आशुतोष शिव मंदिर में पिछले 1.5 महीने से किया जा रहा है। गांव के लोगों की श्रद्धा है कि इस यज्ञ से ब्लैक फंगस व कोरोना वायरस जैसी महामारी से मुक्त भारत होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाया, जिससे काफ़ी लोगों की कोविड-19 के चलते मृत्यु भी हुई। इस कोरोना वायरस व ब्लैक फंगस जैसी महामारी को ख़त्म करने के लिए तमाम डॉक्टरों और वैज्ञानिक लगे हुए हैं। वहीं दिल्ली के तेगीपुर गांव के लोग भी इस महामारी को भारत से ख़त्म करने के लिए एक महायज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ की कोई समय सीमा नहीं है। ग्रामीण वासियों का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस व ब्लैक फंगस जैसी महामारी भारत से नहीं चली जाती, तब तक यह महायज्ञ जारी रहेगा। इस महायज्ञ के लिए ग्रामीणों ने एक यज्ञशाला भी बनाई है, जिसमें यह यज्ञ हर रोज शाम के वक्त किया जाता है। आपको बता दें कि तेगीपुर गांव के लोग काफ़ी सांस्कृतिक व श्रद्धालु लोग हैं। शाम के वक्त हर रोज तेगीपुर के इस श्री आशुतोष शिव मंदिर में शाम के वक्त इकट्ठा होते हैं। ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस महामारी मुक्त भारत महायज्ञ किया जाता है। उसके बाद मंदिर में पूजा आरती भी होती है। फिर हर रोज 50 प्रवासी मजदूरों को खाना भी खिलाया जाता है व प्रसाद वितरित किया जाता है। आपको बता दें, पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर ने भारत में दस्तक दी थी, तब भी इस गांव के ग्रामीणों ने एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की थी। तृतीया से जो हमारा यज्ञ चल रहा है, ये इसमें सभी गांव वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें एक हमारा ग्रुप है, जिसमें हमारे TDI डीलर एसोसिएशन के प्रधान भी है, और जो हरियाणा में हम काम करते हैं वहाँ पे हमारे बालाजी एस्टेट वाले जितने भी डायरेक्टर लोग हैं, वो सब एक प्रसाद में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इसमें हर महीने जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक ये प्रसाद इसी तरीके से चलता रहेगा। ये हमारे आशुतोष शिव मंदिर में अक्षय तृतीया से प्रतिदिन यज्ञ का प्रोग्राम किया जा रहा है, और हमने जो है ये जो चल रहा है कोरोना कोविड-19 ब्लैक फंगस भी अभी देश में चल रहा है, एक और कुछ महामारी अभी आई है, तो इसके निवारण हेतु ये महादेव का मंदिर आशुतोष शिव मंदिर है, तो कि ये बीमारी देश से चली जाए, देश खुशहाल हो, फिर आज़ाद घूमे, मास्क हट जाएँ, दोबारा काम धंधे जो है लोगों के शुरू हो जाएँ, उसको देखते हुए यहाँ प्रतिदिन यज्ञ जो है शुरू किया हुआ है। आज हमने ये जो यज्ञशाला का शुभारंभ कर दिया है। यज्ञ तो प्रतिदिन होता रहा है, लगभग अक्षय तृतीया से हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं, और तेगीपुर में ये जो यज्ञशाला है ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान बन गया है। अब तेगीपुर बड़ा सांस्कृतिक स्थान बन गया है, और यहाँ दिग्विजय जी हैं, तपन जी हैं, और बाकी सभी ग्रामवासी हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, और इसके लिए जो है मैं इन भाइयों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा यज्ञशाला इन्होंने निर्मित करवाया है, और जो ऐतिहासिक है।